मान लीजिए कि रूम वूम नहीं मिला, ठीक है, तो यहाँ आके रह सकिएगा, ठीक है। और यहाँ का हम बता दे रहे हैं, यहाँ रसीद जो कटाना होता है वो 40 से 50 रुपये का होता है एक दिन का, तो आप आसानी से यहाँ पे रह सकते। हाय फ्रेंड, आप सभी को इस न्यू वीडियो में स्वागत है। तो हम लोग आज घर जा रहे हैं, ठीक है। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि रक्षाबंधन आ गया है, तो जाना तो पड़ेगा ना, तो इसीलिए घर जा रहे हैं, देख सकते हैं। और ये अभी बता दे रहे हैं, अभी 6 बज रहा है, 7 बजे ट्रेन है। तो चलिए वीडियो में पूरा आज कंप्लीट बने रहिए। आज पे हम लोग आए हैं अभी यहाँ जुबली चौक, और ये दो ब्रो आए थे छोड़ने के लिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो में पूरा कंप्लीट बने रहिए, आज का पूरा आपको वीडियो मिलेगा। तो अभी अभी देख सकते हैं, हम यहाँ पे लातेहार स्टेशन में आ चुके हैं, और अभी हम लोग का ट्रेन लेट है, तो इधर उधर भटकले चल रहे हैं। और क्या बोल सकते हैं, आप लोगों को कुछ बताना चाह रहे थे, है ना। तो दिखाते हैं यहाँ से, देखिए थोड़ा सा आपको नज़र आता होगा ब्लू ब्लू, तो वहाँ पे आश्रम है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि रूम वूम नहीं लेने सके, ठीक है, और लेट हो जाता है तो आपको रुकना है, तो कहाँ पे रुकिएगा? तो इसके लिए आप यहाँ पे आश्रम पे आके रुक सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपका चार्ज भी ज़्यादा नहीं है। वीडियो में पूरा आप कंप्लीट बने रहिए, हो सके तो दिखाएंगे अभी, ठीक है, अगर समय बचा रहेगा तो। चलिए देख सकते हैं, वहाँ से हम लोग स्टेशन से इधर आ रहे हैं, ठीक है। आपको उधर लम्हे पर देख सकते हैं, यहाँ से आपको जो वहाँ पे अब दिख रहा है ना आपका ऑरेंज कलर या पिंक कलर का, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग, उसी का यहाँ आश्रम है। तो चलिए थोड़ा सा आपको आश्रम का यहाँ व्यू दिखाते हैं, ठीक है, और आपको रहना कैसे है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो इस वीडियो में पूरा कंप्लीट बने रहिए, आपको पता चलेगा एक एक चीज़। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यही आपका जो है ना आश्रम है, जहाँ की आप देख सकते हैं आश्रय गृह लिखा हुआ है। और अभी एक भैया मिले थे, उनसे पूछे कि यहाँ पे रहने के लिए कितना चार्ज देना होगा, ठीक है। तो एक दिन का 50 रुपये बता रहे थे। आप 24 घंटा में कभी भी रह सकते हैं, मान लीजिए कि रात हो जाएगा यहाँ पे लातेहार में आने के बाद, तो आप यहाँ रह सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी बंद उंद है सब, ठीक है, यहाँ पे शायद अभी बंद है। तो आप यहां देख सकते हैं यहां का कुछ ऐसा नज़ारा, और यहां रहने के लिए आपको पूरा सुविधा है, ठीक है। तो आप आइएगा तो यहां रह सकिएगा, ठीक है, आप यहां रुकिएगा। देखते हैं, यही आपका आश्रम है, ठीक है, यहीं पे आप आके रुक सकते हैं रात, या फिर मान लीजिए कि रूम वूम नहीं मिला, ठीक है, तो यहाँ आके रह सकिएगा, ठीक है। और यहाँ का हम बता दे रहे हैं, यहाँ रसीद जो कटाना होता है वो 40 से 50 रुपये का होता है एक दिन का, तो आप आसानी से यहाँ पर रह सकते हैं। और अभी आए हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे ताला लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी क्योंकि सवेरे है, 6-7 बज रहा है, तो हमको लगता है 7-8 बजे तक यहाँ खुल जाता होगा। तो चलिए यहाँ से, क्योंकि हमको रहना तो नहीं है, यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। तो आपका यही आश्रम था, पीछे देख सकते हैं। और यहाँ आने के लिए मैंने बता दिया कि आप कैसे आ सकते हैं, स्टेशन से जस्ट बाएँ साइड है, ठीक है, उधर से मतलब इधर बरगाकाना तरफ से आइएगा तो इधर बायां साइड आपको मिलेगा। तो कुछ आपका यहाँ इस तरह से नज़ारा है, ठीक है, देख सकते हैं। रात में अगर आ जाइएगा, अगर बेचांस, तो यहाँ रुक जाइएगा, ठीक है, आपको अगर रूम नहीं मिले तो। चलिए मेरा तो अभी क्या बोल सकते हैं कि 7 बजे ट्रेन है, ठीक है, और 7 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो ज़्यादा लेट ना करेंगे, यहाँ से निकलेंगे। तो पीछे का नज़र एक बार नज़ारा फिर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो में पूरा कंप्लीट बने रहिए, आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग पूरा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और यह जो जानकारी है ना, आप लोगों को जानने के बाद कैसा लगा, और कितने जो भाई थे हमारे दोस्त जिनको नहीं पता था इनके बारे में, मतलब यहाँ के बारे में, ठीक है, तो कमेंट कर सकते हैं कि अब हमको पता चल गया। और चलिए और क्या, हम लोग दिखाते हैं और आगे का नज़ारा, ठीक है। तो वीडियो में इसी तरह कंप्लीट बने रहिए, और जो भाई अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? ताकि मैं इसी तरह से आपको कुछ ना कुछ
दिखाने की कोशिश करता रहूं ताकि आप लोगों को कुछ मदद मिल सके। तो चलिए अभी और आगे बने रहिए क्योंकि मुझे घर भी जाना है, ठीक है। तो देख सकते हैं अभी अभी ट्रेन आया है, ठीक है, और इसके बाद हम लोग चढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इतना भीड़ था। चलो हेलो तो चलिए अंदर जाते हैं। तो देख सकते हैं अभी पूरा ये खाली है, ठीक है, धीरे धीरे भरेगा यहाँ पे, और बस इधर ही बैठते हैं, ठीक है। निरंजन मुंडा और इधर दो और हैं, दिखता है यार पूरा, हाँ दिख रहा है।